जब भी केआरके कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो भाई फैंस उस प्रोजेक्ट को कुछ अलग ही अंदाज में पोर्ट्रे करते हैं और अलग ही अंदाज में समझते हैं। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से केआरके ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया है और खुद ही रिवीलेशन से पहले ही उसका वर्डिक्ट भी दे दिया है। क्या है चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि केआरके जो कि हमेशा ही अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी वाली बातें करते हैं, ऐसे में रिसेंटली केआरके ने एक प्रोजेक्ट जो है वो रिवील किया है। जी हाँ, केआरके लिखते हैं शूटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून। भाई किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं देशद्रोही 2 की। जी हाँ, इंडियन इंडस्ट्री में अगर वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉप फिल्म का टैग किसी फिल्म को मिल सकता है तो वो है देशद्रोही। अब उस फिल्म का सीक्वल लेकर आ गए हैं केआरके। जी हाँ, अपनी सबसे फ्लॉप फिल्म का सीक्वल लेकर आए हैं और उस पर टाइटल दिया है बिगर देन बाहुबली। वेल, इसी पर लिखा है केआरके इन एंड एज देशद्रोही 2, डायरेक्टेड बाय केआरके, प्रोड्यूस्ड बाय केआरके, रिलीजिंग इन थिएटर सून। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने ये लिखा है उसके तुरंत बाद ही हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग जो है वो केआरके को लेकर शुरू हो गई है। चलिए आपको कई सारे जोक्स जो है, मीम्स जो है वो दिखाते हैं। तो देखा आपने, हर कोई अपने अपने तरीके से ट्रोल कर रहा है केआरके को और ये कह रहा है कि भाई ऐसा लगता है जैसे ये जनरेशन की सबसे बड़ी फिल्म को पोर्ट्रे कर रहा है। भाई आपको क्या है कहना केआरके की इस फिल्म पर, बताइएगा जरूर। देखिए, डाउन फॉल तो आप ये कहिए, जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा है उसको उतरना तो जरूरी है, करेक्ट है। और एक फिल्म से डाउन फॉल शुरू नहीं होता। हो सकता है कि टाइगर जिंदा हो, बहुत अच्छी हो और वो हिट हो जाए। अगर वो हिट हो जाएगी तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई वो सुपरस्टार हैं। तो एक फिल्म से कुछ पता नहीं चलता, देखते हैं। अब टाइगर जिंदा है, मुझे उम्मीद है कि हिट होगी और देखते हैं अब टाइगर जिंदा कैसी है।